इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों का बिहार पवेलियन की इस प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन है माननीय उद्योग एवं पर्यटन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा बिहार सरकार, श्री आलोक रंजन घोष उद्योग निदेशक बिहार, श्री नितिन धनराज निपालकर हस्तकरघा एवं रेशम निदेशक सह नोडल अधिकारी बिहार पवेलियन, अशोक कुमार सिन्हा अपर निदेशक बिहार म्यूजियम एवं दिनेश कुमार उप निदेशक बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली। और आज की इस प्रेस वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब मैं आप सभी के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए श्री अशोक कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, आप सभी का अभिवादन। मंचा सिंह माननीय उद्योग एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, मंचा सिंह उद्योग निदेशक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष जी, मंचा सिंह हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक और इस आयोजन का जो ITPO के तरफ से बिहार पवेलियन का आयोजन है उसके नोडल पदाधिकारी निखिल धनराज सर, उप निदेशक बिहार सूचना केंद्र श्री दिनेश कुमार जी और आप सभी लोग का मैं आयोजन के तरफ से, उद्योग विभाग के तरफ से, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत एवं अभिनंदन विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का, जो आप सबों को अभी चंद सेकंडों के बाद आपको संबोधित करेंगे। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि प्राचीन बिहार तो अपनी गरिमा और समृद्धि में बेहतर था ही, लेकिन हम लोग रियल बिहार को बिहार पवेलियन के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किए। आप लोगों ने अगर देखा होगा बिहार पवेलियन को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नया आधुनिक बिहार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार विकसित बिहार है, उसको हम लोग बिहार पवेलियन के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किए हैं। नालंदा, नया नालंदा विश्वविद्यालय मॉडर्न पीरियड में जो पांचवी शताब्दी, अभी जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी बना है 455 एकड़ में, कल्पना कीजिए कि नया नालंदा यूनिवर्सिटी जो भी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, 455 एकड़ में नया नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। लगभग 9 एकड़ में उसकी चहारदीवारी नालंदा यूनिवर्सिटी की जो बना है, और लगभग 300 एकड़ में ग्रीन कैंपस हरियाली लगाई गई है, 2 दर्जन तालाब बने हैं, 100 एकड़ में जलाशय हैं, 2 दर्जन से अधिक तालाब हैं, इसके अलावा करीब 8 मेगावाट का सोलर फार्म है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले था 7 मंजिला उसका ही पुस्तकालय था, और अभी जो नया नालंदा विश्वविद्यालय है उस 9 मंजिला है, और एक साथ 3000 छात्रों को बैठने की उसमें क्षमता है। तो बिहार नया नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से या ग्लास ब्रिज, आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार पवेलियन के बाहरी द्वार पर हम लोगों ने रियलिस्टिक पेंटिंग के माध्यम से ग्लास ब्रिज बनाया है। राजगीर में 200 फीट की ऊंचाई पर बना है ग्लास ब्रिज, और दुनिया का तीसरा ग्लास ब्रिज है, एक चाइना में है हांगझोउ में, एक भारत के सीकर में है, और तीसरा जो ग्लास ब्रिज है राजगीर में बना है। यह सब नए बिहार की देन है, जो बिहार विकसित बिहार है वो हम लोगों ने 9 पद्मश्री मिथिला पेंटिंग में, भारत के किसी दूसरे राज्य में 9 पद्मश्री नहीं है एक कला में, तो बिहार इस मामले में भी गौरवशाली है और आज वर्तमान में भी गौरवशाली है कि 9 पद्मश्री हमारे हैं, जिसमें से 4 पद्मश्री बिहार पवेलियन में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये भी बिहार की विशेषता है। इसके अलावा सिक्की कला, टेराकोटा और बिहार के जितने भी हस्तशिल्प हैं सब के कारीगर यहाँ, जो विकसित बिहार है, अभी जो मॉडर्न बिहार है, बहुत सारे नए नए उद्योग माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार विकसित हो रहा है, उसका भी सभी शिल्पकार और बुनकर अपने अपने उत्पादों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो बिहार पवेलियन
कई मानों में अद्भुत बना है और इसके नोडल पदाधिकारी निखिल धनराज जी हैं, इनके लीडरशिप में ये काम हुआ है और अद्भुत काम हुआ है। और पहले भी बिहार, आप लोग सबको जानते हैं कि 2014, 2015, 2016, 18, 19 और 21 6 साल तक लगातार गोल्ड मेडल जीता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं, आशावान है कि इस बार बिहार की जो बना है हम लोग अच्छा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिहार की रूपरेखा एवं राज्य में हुए विकास के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री से सादर अनुरोध करती हूँ कि प्रेस हमारे प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करने की कृपा की जाए। सर अशोक सिन्हा जी ने सबका भी परिचय कराया और विस्तार से बिहार पवेलियन के बारे में बताया, तो बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। विशेषता बिहार पवेलियन में बिहार सरकार की हम लोग की कोशिश रही नहीं रखो ना कि बिहार जो हमारी एक बहुत ही समृद्ध विरासत रही है, हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, और जो एक आधुनिक बिहार जो विगत 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसको दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो मेरा तो आग्रह होगा आप सबसे कि जिन्होंने नहीं देखा है कृपया हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें और आप बिहार पवेलियन ज़रूर देखिए। और आज तो बिहार के लिए स्पेसिफिक दिन भी है क्योंकि जो ट्रेड फेयर की जो एक संरचना है उसमें राज्यों का एक दिन या दिवस होता है, तो संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, मैं उसके लिए भी आपको आमंत्रित करूँगा। और हमारी पूरी टीम उद्योग विभाग ने कोशिश की है कि बिहार की अपनी जो हमारी विरासत रही है उसके साथ साथ आधुनिकता को भी हम दिखाएं। और लगातार बिहार में जो क्योंकि मैं राज्य का पर्यटन मंत्री भी हूं और उद्योग मंत्री भी हूं, तो हमारी ये कोशिश रही है कि जो रियल बिहार है उसको दुनिया के सामने लाए। और अभी आप सब अवगत हैं कि बिहार ने बहुत बड़ा खेल के संदर्भ में बहुत बड़ा आयोजन भी किया, राजगीर में जो बहुत ही सफलतापूर्वक वुमेन्स हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन भी हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो लोग बिहार के बारे में उनके मन में अब धारणा रही होगी कि बिहार में बेहतर चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके एक बदलते हुए बिहार को हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। और उसी की कड़ी में जो हमारा बिहार पवेलियन है उसको हम लोगों ने सजाया भी है। विशेष यह है कि जैसा अशोक जी ने कहा कि जो ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट हैं, जो पद्म अवार्डी हैं, उनके लिए स्टॉल्स हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हैं, साथ ही जो नए नए लोग कुछ जो अपने कुछ नवाचार के साथ या इनोवेशन के साथ भी सामने आ रहे हैं उनको भी हम लोगों ने स्थान दिया है। तो बहुत ही आकर्षक बना है और मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर आप देखें। विशेष नहीं लेकिन इतना ही ज़रूर कहेंगे कि अभी इसी अगले महीने में बिहार में बहुत बड़ा बिजनेस समिट भी होने वाला है 19-20 दिसंबर को, जो बिहार बिजनेस कनेक्ट है। आपके माध्यम से ये भी जानकारी मैं सबों को देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं और हमारी नीतियाँ आकर्षक हैं। जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट की अवधारणा थी कि बिहार में बड़े निवेश नहीं हो सकते, बड़े निवेश भी हो रहे हैं, MSME सेक्टर में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और उद्यमिता के भी क्षेत्र में चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से या लघु उद्यमी योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से जो हमारे बिहार के यूथ हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, वो भी एक सामने आ रहे हैं। तो एक कोशिश है हमारी और हम लोग इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ जो 2047 को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसी संकल्प जो पूरे स्टेट फेयर का इस बार के आयोजन का थीम भी है, उसी में बिहार का हिस्सा कैसा हो, बिहार का योगदान कैसा हो। एक विकसित भारत की कल्पना तभी हो सकती है जब विकसित बिहार हो, उस कड़ी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। संक्षेप में आपसे यही मुझको कहना था और पुनः विनम्र आग्रह कि अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और शाम में जो बिहार की संस्कृति को हम दिखाने जा रहे हैं उसको भी आप अवश्य ज़रूर देखें। सर मंत्री जी, संतोष दुबे बोल रहा हूँ, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया से। बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट होने जा रहा है, इसकी तैयारी कैसे चल रही है? इसमें कितनी उम्मीद है कि कितने बिजनेस में MOU पर समझौता ज्ञापन पर कितने का हस्ताक्षर हो सकता है, निवेश कैसा आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, एक बिहार बिजनेस कनेक्ट एक
बहुत ही हम लोग का एक प्रयास है कि ना सिर्फ उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ बल्कि वो निवेश जो बिहार राज्य में आते हैं चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हुए हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर्स मीट भी किया, जिसकी शुरुआत जुलाई माह में कलकत्ता से हुई और उसके बाद विभिन्न शहरों में हम लोग गए। पटना में भी बड़ा आयोजन टेक्सटाइल के क्षेत्र में हुआ है। तो हम लोग की ये कोशिश है कि जो बिहार की नीतियाँ हैं, बिहार की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ी हुई हो, उसको हम लोगों तक हम लाएं और बिहार में एक बेहतर निवेश का माहौल है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि पूर्वी भारत में बिहार की जो आज भौगोलिक स्थिति है, जो हमारी बनावट है और जो एडवांटेज बिहार है, चाहे वो मार्केट साइज में आप ले लीजिए या हमारे नेबरिंग स्टेट से कनेक्टिविटी आप ले लीजिए, या बिहार जैसे हमारे यहाँ पोर्ट नहीं था तो अभी ड्राई पोर्ट की शुरुआत हुई है, जो बिहार और झारखंड का एकलौता ड्राई पोर्ट है। तो अब बिहार एक लंबी उड़ान के लिए एक तैयार है और जो दिसंबर में बिजनेस कनेक्ट होना है, व्यापक तैयारी है। एक हमारी वेबसाइट भी है, लोग रजिस्ट्रेशन उस पर कराना प्रारंभ भी कर दिए हैं और विभिन्न माध्यमों से व्यक्तिगत डिपार्टमेंट के भी माध्यम से हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, जो लोगों के रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गए हैं सोशल मीडिया के भी माध्यम से, और जो निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं अधिकांश वो कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, या जो अभी तक नहीं हुए हैं उनकी में कोई कमियां हैं, अगर कोई उनकी आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले वर्ष लगभग 50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, इस बार उससे अधिक के प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त होंगे जो बिहार में एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत करेंगे। सर रमेश हूँ भारत एक्सप्रेस से, बिहार में कितना निवेश हुआ है पिछले दिनों में और जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है जिसके नाते उद्योगपति नहीं आते हैं उस पर कितना काम हुआ है? इसका आंकड़ा निदेशक उद्योग आलोक घोष जी आपको दे देंगे, इसी वित्तीय वर्ष का भी आपको बता दूंगा इस वित्तीय वर्ष में हम लोग को कितने निवेश। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों में जो परसेप्शन है उसमें काफ़ी बदलाव आया है और साथ ही साथ उद्योग विभाग में जो ओवर आर्चिंग पॉलिसी है बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, उसके अतिरिक्त सेक्टर विशेष के लिए मतलब वहाँ के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल और लेदर रिलेटेड सेक्टर्स हों, बायोफ्यूल के लिए एथेनॉल प्लांट्स बहुत सारे लगे हों, आईटी पॉलिसी बिहार सरकार की आई है, इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हम लोग लाए हैं, अभी आने वाले दिनों में 2-3 और पॉलिसीज हम लोग लाए हैं। जो परसेप्शन की आपने बात की कि निश्चित रूप से बिहार के संबंध में जो परसेप्शन है वो तो अच्छा पूर्व में नहीं रहा है, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग और ये इस बदलाव का बहुत ही स्पष्ट उदाहरण जो राज्य में होने वाले निवेश हैं उससे परिलक्षित हो रहा है। अगर एक वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है विगत एक वर्ष में जब से लास्ट बिजनेस कनेक्ट हुआ था। इसके अलावा कई बड़ी कंपनीज चाहे वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग में हो, इसके अलावा टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है जहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको इंगेज करने की क्षमता जिन सेक्टर्स में है उसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश हुआ है। हम लोग अभी जैसा मंत्री जी ने बताया कि कलकत्ता से हम लोगों ने शुरुआत की, उसके बाद मुंबई हम लोग गए, दिल्ली गए, लुधियाना गए और हाल फिलहाल अभी कानपुर से हम लोग होते हैं। आने वाले दिनों में चेन्नई, तिरुपुर, अन्य जगहों पर भी हम लोग के जाने की योजना है। वहाँ पर जो निवेशकों का उत्साह है निश्चित रूप से एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि जो परसेप्शन है वो काफ़ी बदला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बदली है और सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज भी जो परसेप्शन है उसमें बदला हुआ है। तो हमारी अपेक्षा है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट में, जो लास्ट बार हम लोग की 50,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ था उसमें से 38,000 करोड़ ग्राउंडेड हो चुका है, यानी उन लोगों ने लैंड के लिए अप्लाई हो गया, तो मिल गया, बहुत ज़्यादा कार्य प्रारंभ हो गया। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन में जो अभी 19 और 20 तारीख को हम लोग करेंगे इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करेंगे बिहार बिजनेस को, उसमें विगत वर्ष की तुलना में और ज़्यादा हम लोग इस बार निवेश को आकर्षित करेंगे और बड़ी कंपनियाँ उसमें। इकोनॉमिक ग्रोथ पे आपने जो प्रेस रिलीज में देखा 2022 में 10% इंक्रीज हुए, तो 2023-24 में आपका फिगर क्या है, व्हाट परसेंटेज ग्रोथ यू आर एक्सपेक्टिंग? ठीक है, बिहार इज अ स्टेट इफ यू विल सी फ्रॉम द ईयर 2006-07 ऑनवर्ड्स, बिहार इज द ओनली स्टेट व्हिच हैज ऑलवेज मेंटेन्ड मोर देन 8% ऑफ ग्रोथ रेट कंटीन्यूअसली।
If we compare it with any other Indian state, we are the only state who has maintained a very positive growth rate since 2006-07 onwards. And that's because of the able leadership of Honorable Nitish Kumarji with a better fiscal management. And not only that, because all these growth rate, if we are talking about 2047 of Viksit Bihar, definitely it requires a private sector investment also. So our entire strategy is now to bring more and more investment to the state. And I'll just add to it the question which he asked in just this financial year. We have received more than 5,400 crores worth of investment since April till 15th of November. This is of this financial year 24-25. So if you will see that a state, we missed the opening when the Indian economy started opening up. And Bihar as a state, if you will remember, we witnessed even a negative growth rate. So let's not forget that the journey which Bihar has covered from a negative growth rate to maintaining a growth rate of 8% or more than 8% is not a normal achievement, it's a phenomenal achievement which Bihar has achieved. And with our sectoral policies and industrial policies, we are quite confident, and the strategic advantage, our policies, our infrastructure, you can compare it with any other Indian states, we are much better, and our connectivity has improved, air connectivity, rail connectivity and road connectivity. So we have everything now, that's why we have started attracting investments, and investors have showing, they have started showing interest in Bihar, and investments have started coming. Please. नहीं देखिए दो तीन चीज देखना पड़ेगा. एक तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 की है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी 2016 की है उसमें जो विभिन्न रियायतें या छूट हैं वो अपनी दशा में है. और अब आने वाले समय में हम एक नई पॉलिसी पर भी हम लोग अब काम करेंगे, क्योंकि 8 वर्ष हो गए हैं, तो एक नई पॉलिसी भी हमको लानी है. उसके अलावा हमारी सेक्टरल पॉलिसीज भी हैं, जैसे अगर बायोफ्यूल्स की आप पॉलिसी अगर आप कह लें, तो अलग अलग सेक्टर में अभी हम लोग फूड प्रोसेसिंग की भी हम लोग बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, संभवतः फार्मास्यूटिकल्स पे भी हम लोग बनाएंगे. तो विभिन्न क्षेत्रों में जहां अगर आप आवश्यक है कि जहां पर हमारी अपनी सेक्टरल पॉलिसी होनी चाहिए, टेक्सटाइल और डेदर हमारी बहुत अच्छी बिहार की एक स्कोप है, उसकी अलग पॉलिसी है, हम एक्सपोर्ट के लिए भी हमारी पॉलिसी बनी हुई है. तो इन सब पॉलिसी का लाभ हमारा ये है कि बिहार कहीं ना कहीं, जो हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम लोग एक परसेप्शन के शिकार रहे हैं कि बिहार में निवेश नहीं आ सकता, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो निवेश भी हमारे अच्छे आ रहे हैं, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लोगों को अपने इंसेंटिव्स को लेने के लिए पिलर टू पोस्ट दौड़ना भी नहीं पड़ता है, सचिवालय भी नहीं आना पड़ता है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. साथ ही अगर हम लैंड अलॉट करते हैं वो प्रक्रिया भी ऑनलाइन है. तो आप देखेंगे कि अगर बिहार में जब हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, रेगुलर लेवल पर हमारी मीटिंग्स होती हैं जो प्रोजेक्ट अप्रूवल की होती है, तो एक बेहतर माहौल बिहार में बनता जा रहा है. और मैं स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूं कि आने वाले समय में पूर्वी भारत में बिहार का एक बहुत प्रमुख स्थान होगा देश की प्रगति में योगदान देने में. सर, आपने ये कहा कि बिहार में लगातार बिहार की जो छवि रही है एक बीमारू राज्य की रही है, तो ये एक कंट्राडिक्टरी है. दूसरी बात ये है कि इसको बल इस बात से मिलता है कि अभी बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फूल उठ रहे हैं वो बिहार में. तो ऐसा क्या है कि डेवलपमेंट का काम तो होता है लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि वो सभी फूल की तरह ढह जाते हैं. देखिए दो चीज है, अगर आप स्पष्ट सुनना चाहें तो एक तो पहला जो आपने कहा पुल ढह जाता है, एक एक पुल का जहां अगर गड़बड़ी है कार्रवाई भी होगी. और पुल ढहना कोई 20 वर्ष पुराने हैं, कोई 40 वर्ष पुराने हैं, कहीं रिवर ने अपना कोर्स बदल लिया, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री नहीं हूं, मैं उस पर नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि पुल टू पुल देखिए. और जो आपने छवि की बात की, छवि किसने बनाई है, ये छवि उन लोगों ने बनाई है जो कभी बिहार गए नहीं. अगर आज अगर बिहार में निवेश आ रहे हैं, बिहार में चीज आपने कल्पना की थी क्या कि बिहार में एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप होगी? यहाँ बैठे लोग कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या कोई सोचा था? तो चीजें बदल रही है, लेकिन अगर हम चीजों को उसी समय लेके बैठे रहेंगे कि बिहार ऐसा था, तो बिहार तो एक समय पूरे देश का इतिहास, बिहार का इतिहास था, तो उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी मर्जी से एक पर्टिकुलर किसी घटना को आप ले लीजिए, हमारी अच्छी चीजों को क्यों नहीं दिखाते हैं, हमारी अच्छी चीजों की चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर हमारी अच्छी चीजों की भी चर्चा होगी, हर एक राज्य की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन ऐसा अगर आप अपवाद कहेंगे ये चीज सिर्फ बिहार में ही होता है, तो मैं स्ट्रांगली उस बात से असहमत हूँ. मैं नहीं मानूंगा उस बात को
कि बिहार को विभिन्न सूचकांक पर भी देखें और बीमारू वाली भी जो आप बात करते हैं ना, वो एक समय था मैंने तो कहा कि बिहार ने विटनेस किया नेगेटिव ग्रोथ रेट। कोई भी जिनकी इकोनॉमिक से रुचि है आप समझिए कि किसी राज्य का नेगेटिव ग्रोथ रेट हो सकता है, लेकिन आप उसकी चर्चा बीमारों की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आज 8% 9% 10% ग्रोथ रेट हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। अगर हमें कहीं कमी है आप उसको भी लाइए, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी दायित्व तो बनता है कि उन बातों का भी चर्चा होना चाहिए कि बिहार इन क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है। आप विफल रहे अच्छे चीजों को लोगों तक पहुंचाने में, यानी प्रशासन तंत्र आपका फेल है। इसका प्रशासन कहाँ से आ गया, ये तो परसेप्शन प्रचार तंत्र। देखिए एक अगर बिहार का कोई समय रहा, ऐसा तो नहीं है कि भाई बिहार का एक अगर इतिहास रहा तो बिहार ने एक समय ऐसा भी देखा कि जहाँ पे घटनाएं होती थी, लेकिन अब उससे हम आगे निकले हैं। आज अगर हम सड़क की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिस बिहार में बिजली नहीं थी आज उस बिहार में लगातार बिजली है, तो उसकी चर्चा भी तो होनी चाहिए ना। और परसेप्शन समय समय पर सर नमस्कार संजय, वी जस्ट वेंट टू द स्टॉल, आप लोग जब टूर लगा रहे थे एंड वी फाउंड दोज पद्मश्री, मेरा उनका आई जस्ट इंटरव्यू देम मिस्टर बिस्वास एंड आई थिंक ओडी ओपी का हम लोग ने लास्ट ईयर किया था, विच बिहार इज प्रीटी गुड एट दैट। सो माई टू क्वेश्चन अबाउट द सर्जिकल एंड द मेडिकल इंडस्ट्री, हाउ यू आर शेपिंग अप, एंड सर ऑन द टूरिज्म फ्रंट यू हैव पिलग्रिमेज लाइक यू नो द बुद्धिस्ट circuit and the Jain circuit, so there were some issues as Jharkhand and Bihar, you know, they're close. So how do you plan to take the tourism to the next level so that more people come under the PM vision and the CM vision, sir? Well, thank you for asking this question. Ek to pehla main ye kahunga ki dekhiye ek I think that will apply in general for everyone. Ya to ek mindset ko humko badalna hai. Agar aap Bihar ko usi nazar se dekhna chahte hain, aap usi nazar se dekhiye. लेकिन बिहार बहुत बदल चुका है और मैं तो इनवाइट करूंगा आप सबको कि रियल बिहार देखने के लिए आइए। और बिहार में अगर आपने कहा कि अगर ठीक है अगर वो परसेप्शन बना हुआ नहीं, घटनाएं हुई उस बात से कौन इनकार करेगा, एक दौर था बिहार में देखा, लेकिन आज बिहार बहुत आगे निकल चुका है। टूरिज्म अगर दो मेजर डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि टूरिज्म के चार लोकेशंस को बिहार केंद्र के बजट में, चाहे वो बोधगया हो, गया हो, राजगीर और नालंदा, स्पेशल उन्होंने उसके लिए एक बजटरी प्रोविजन किया है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि पूरी उसकी मैप बना के कैसे कॉरिडोर के तौर पर वी कैन डेवलप इट, बिकॉज इफ यू विल सी दैट बिहार हैज गॉट एवरीथिंग, वी हैव वाटरफॉल्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट बिहार हैज गॉट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, वी हैव टाइगर रिजर्व्स, वी हैव बर्ड सेंचुरीज, रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ, और हर एक धर्म बिहार, वी आर ब्लेस्ड कि हर एक धर्म का कुछ ना कुछ महत्व के स्थान बिहार में दिखते हैं। जो चार साइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अपने बजट में एलोकेशन किया है, माँ सीता की जन्मभूमि पर वी आर वर्किंग, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एक वीक पहले कैबिनेट से लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने उसके लिए वहाँ भी मास्टर प्लान बना के काम शुरू किया हम लोगों। तो अगर आप देखेंगे कि चाहे वो इको टूरिज्म हो, चाहे टाइगर रिजर्व हो, नेचर ब्यूटीज़ हो, हर एक तरह की चीज़ें बिहार में हैं। वी आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उसको एक बेटर इंफ्रा चाहिए जहाँ वो ठहरे, उसकी अब लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छे होटल्स आने शुरू हो गए हैं अब बिहार में, और अभी आने वाले समय में भी अच्छे होटल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो बिहार टूरिज़्म सेक्टर में ऑब्वियसली हम उसको टैप नहीं कर पाए थे, तो हमारे पास या तो हम पुरानी बातों को लेके बैठे रहे, नहीं टैप कर पाए, या हम आगे बढ़ के उसको टैप करने की हम कोशिश करें। तो बिहार आज उस यात्रा पर, उस जर्नी पर आगे निकल चुका है। साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी हमें गया में मिला है, जो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है उसमें जो पॉइंट नोड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं उसमें गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोड है, जिसमें 1700 एकर्स लैंड हम लोगों ने एक्वायर किया है, जो आने वाले समय में पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हमारा पूरा क्लस्टर बनेगा, जो भारत सरकार उसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप करना चाहती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बिहार का एक पहले की एक जो यात्रा थी, मैं उसकी चर्चा नहीं करके बिहार को 2047 में मैं किस तरह से ले जा सकता हूँ, ले जा रहा हूँ, अब हम उसकी बात हम कर रहे हैं। और विच आई बिलीव दैट टूरिज्म एंड इंडस्ट्री दे बोथ दीज सेक्टर्स हैव ह्यूज पोटेंशियल टू टेक बिहार फॉरवर्ड एंड टू ब्रिंग बिहार एट पार विद एनी अदर
डेवलप्ड स्टेट है। सर बिहार एक्चुअली पहले से ही वो था, बिहार का इस समय जो छवि बना हुआ है पूरे स्टेट में लेबर मैन पावर सप्लायर स्टेट का जो है वो नाम आ रहा है इसका। तो आप जब इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आएगी वो मैन पावर की आएगी, क्योंकि आपने पूरे स्टेट में आपका फ़ायदा मुंबई गुजरात एंड एक्स्ट्रा जहाँ भी उद्योग हैं वहाँ पे उठाया जा रहा है, तो बिहार को कैसे आप उसको इंडस्ट्री में स्टेब्लिश कर पाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात ये मानना आपको पड़ेगा कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, वो सिर्फ बिहार के लिए सीमित नहीं है। माइग्रेशन अगर वो बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है दैट इज़ पेनफुल, लेकिन अगर बेटर अपॉर्चुनिटी किसी को मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति वो जाता है। मैं पोस्ट कोविड का आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कोविड ने हम लोग को सबको रियलाइज कराया, चाहे वो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स हों, जब उनके यहाँ लॉकडाउन हुआ या लेबर्स अगर उनके जाने लगे तो दे रियलाइज कि उनकी जो पूरी गणित है फैक्ट्री के संचालन की उस पर खूब प्रभाव पड़ रहा है, और क्यों नहीं हम जहाँ हमारा वर्कफोर्स है उसके नज़दीक आके ही हम यूनिट्स को हम स्टैब्लिश करें। और बिहार में इसी तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री आए हैं पोस्ट कोविड, खासतौर से टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी उनकी यूनिट किसी स्टेट में थी या तो एक्सपेंशन के तौर पर उन्होंने बिहार को चुना या कहीं पे एग्जिस्टिंग यूनिट को उन्होंने बंद किया, और जहां पर उनके जब स्किल मैपिंग हुई तो स्किल मैप में जहां पे उनके सेक्टर से जुड़े हुए लोग मिले तो वहां पर जाके उन्होंने यूनिट को इस्टेब्लिश किया। आने वाले समय में निवेश अगर बढ़ता है तो निवेश इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, अगर हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही बनेगा तो आने ये तो 6 महीने में नहीं होगा, अब जो पिछले वर्षों में नहीं हुआ अब इसके कारण से अब आगे आज हम अगर निवेश हमारे यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या अगर हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। तो ये जो आपने माइग्रेशन का कहा, कौन व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ जो चाहेगा कि अपने घर में काम नहीं करें, हम सब चाहते हैं कि अपने घर अपने फैमिली के साथ रहें, और मैं ये भी इस बात को कह रहा हूँ कि आप अगर जहाँ आपका वर्कफोर्स है उनके नज़दीक आप अपने यूनिट को लगाते हैं तो आपकी आउटपुट भी बढ़ेगी, वर्कर की इफिशियंसी भी बढ़ेगी, एंड आई थिंक ये रियलाइजेशन सबको हो रहा है। दैट्स वाई बिहार जैसे स्टेट का एक कम्पिटिटिव एडवांटेज भी अब है, जो अगर हम लेबर हमारा अगर कहीं दूसरे राज्यों में जा रहा है तो वो आज चाहता है कि अपने राज्य में आए, और वो फैक्ट्री ओनर्स या कंपनी ओनर्स भी अब एक्सपेंशन में बिहार के बारे में सोच रहे हैं। सर जो बंद पड़े हुए हैं उद्योग हमारे, उसके बारे में सुनते आ रहे हैं उसके अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरिशंकर तिवारी है और न्यूज 24 यूज करके हमारा जो है नहीं किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में आपको, जैसे बैजनाथपुर का पेपर मिला है, चाहे कि वो बरौनी वाला जो खाद वाला है।